बीजेपी यूपी में अपनी रणनीति को धार देने में जुटी है। नए जिलाध्यक्षों की लिस्ट जारी होगी, जबकि अगले हफ्ते के कई नेता बीजेपी का दामन थाम सकती हैं। पूजा पाल भी बीजेपी में शामिल हो सकती हैं, जबकि पार्टी ने अपने सांसदों को भी खास निर्देश जारी कर दिए हैं। बीजेपी का मिशन 80, रणनीति की धार देने में जुटी बीजेपी। जेपी नड्डा की स्पेशल 38 तैयार, 2024 के चुनाव में होगा आर पार। यूपी में मिशन 80 को लेकर बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी की केंद्रीय पदाधिकारियों की नई टीम में कुल 38 नाम शामिल किए गए हैं। इनमें नए और पुराने चेहरों के साथ बीजेपी ने बेहतर समन्वय बनाया है। यूपी बीजेपी संगठन में होगा बदलाव। यूपी में बदलाव की कवायद हुई शुरू। यूपी बीजेपी संगठन में बदलाव की कवायद शुरू हो गई है। इसके तहत नए जिलाधिकारियों की लिस्ट जल्द ही जारी हो सकती है। रविवार या सोमवार को बीजेपी लिस्ट जारी कर सकती है। कयास लगाए जा रहे हैं कि नॉन परफॉर्मर जिलाधिकारियों पर गाज गिर सकती है, जिसके संकेत बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पहले ही दे दिया है। यूपी में बीजेपी की सर्जिकल स्ट्राइक जारी। अगले हफ्ते कई नेता थाम सकते हैं दामन। बीजेपी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का एक और बड़ा विकेट गिरा सकती है। इस बार बीजेपी एसपी के पूर्व विधायक राजू पाल की पत्नी और वर्तमान में समाजवादी पार्टी के विधायक पूजा पाल को अपने पार्टी में शामिल करा सकती है। माना जा रहा है कि पूजा पाल बीजेपी में शामिल होने से पहले अपने पद से इस्तीफा देंगी। बीजेपी इन दिनों लगातार समाजवादी पार्टी के बड़े विकेट गिरा रही है। इससे पहले बीजेपी ने पूर्व विधायक दारा सिंह को एक बार फिर अपनी पार्टी में शामिल करा लिया था। 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के सहयोगी रहे ओम प्रकाश राजभर भी एनडीए में शामिल हो गए हैं। एक हफ्ते पहले समाजवादी पार्टी के कई नेता बीजेपी में शामिल हुए थे। बीजेपी सांसदों को पार्टी का निर्देश, पूरी तैयारी के साथ बैठक में ले हिस्सा। दरअसल बीजेपी सांसदों को पार्टी ने साफ तौर पर निर्देशित किया है कि वो पूरी तैयारी के साथ बीजेपी में हिस्सा लें। बैठक में विकास कार्यों की सूची के साथ पहुंचे, कामों का भी पूरा ब्यौरा तैयार किया जाए। पीएम मोदी के साथ सांसदों की बैठक होनी है, इसको लेकर खास तौर पर निर्देश जारी किए गए हैं। बहरहाल मिशन 80 को लेकर बीजेपी अपनी रणनीति को धार देने में जुटी है। जहां जिला अध्यक्षों को लेकर बदलाव के संकेत हैं, वहीं विरोधियों पर सर्जिकल स्ट्राइक भी जारी है। ऐसे में सीधे तौर पर पीएम मोदी के सांसदों के साथ बैठक भी बीजेपी की तैयारियों को फाड़ दे सकती है। टीम न्यूज स्ट्रीट। सीएम